और बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। तो बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से हर्षवर्धन सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। देखना होगा कि क्या ये फाइट ज़्यादा जबरदस्त होगी या किस तरीके से चुनाव का रुख मुड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता दें, जहां पर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से हर्षवर्धन सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान, उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब वो निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यदि व्यक्ति खराब हो, खराब व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया हो, तो कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का ये अधिकार बनता है कि वो उस व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति मैदान में उतरा हो, उसको वोट देकर जिताएं। और इस प्रकार के निर्णयों का पार्टी को अपने मत के द्वारा जवाब, उसी तारतम्य में, उसी विचारधारा और उसी आदर्श को लेकर के मैं निर्दलीय चुनाव में जनता के आदेश पर उतरा हूँ, क्योंकि जनता ने खड़ा किया है और ये सोचकर खड़ा किया है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के परिवार से कोई व्यक्ति आगे आए जो कि उन्हीं की तरह इस क्षेत्र की सेवा करे। क्योंकि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और जब निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना था, जो कि आज मैंने दे दिया। कल मेल पर डाल दिया था, आज जिला अध्यक्ष जी को उसकी हार्ड कॉपी भी दे दी और अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से उसका जो फोटो है वो भी अपलोड कर दिया। कितने लोग आपके साथ समर्थन दे रहे हैं? अब अगर मेरे साथ में अभी देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग इस्तीफा अभी देने वाले हैं, आज कुछ आज देने वाले हैं, कुछ कल देने वाले हैं। ये मानकर चलिएगा कि जो 1980 की स्थिति थी वो निर्मित हो जाएगी अगर सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से बता दें, जहां पर हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हर्षवर्धन सिंह चौहान अब बीजेपी से किनारा कर चुके हैं और अब निर्दलीय रूप में वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन सिंह और नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और ऐसे में उनको टिकट नहीं मिलने से वो काफ़ी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। नाराज होने के चलते आज उन्होंने विधिवत रूप से बीजेपी से किनारा कर लिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और आखिरी दिन उन्होंने अपना नामांकन नहीं उठाया है, यानी कि अब वो विधिवत रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि चुनाव का रुख किस प्रकार से मुड़ता है। तो उन्होंने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और बता दें कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और दो बार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। टिकट नहीं मिलने से वो लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, उन्होंने बीजेपी में टिकट की मांग भी की लेकिन उनको नहीं मिला। उनकी जगह पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, इसके चलते वो काफ़ी समय से बीजेपी से नाराज चले लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया है, यानी कि इस्तीफा दे दिया है।